दबाव तंत्राचा वापर करून मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न, रुक्कैया यळकुंद्री यांचा आरोप. गेली 12 वर्षापासून हजरत उमुल फकरा उर्दू स्कूल निपाणी येथे मुख्याध्यापिका म्हणून 12 वर्षापासून कार्यरत आहे. या शाळेमध्ये दिनांक 9 एप्रिल 2022 रोजी सर्व शिक्षकांना एक परिपत्रक देऊन सांगण्यात आले की या संस्थेमध्ये आपण नियमित किंवा अनियमित काम करणार की नाही असं परिपत्रिकाच्या माध्यमातून कळविण्यात आले असता याचे प्रत्युत्तर म्हणून सर्व शिक्षकांनी नियमित शैक्षणिक कार्य करणार असल्याचे लिहून दिले. पण दिनांक 11 एप्रिल 2022 रोजी शाळेत गेले असता त्या ठिकाणी सर्व शिक्षक उपस्थित होते, पण आम्हाला तुम्ही का कळविले नाही अशी विचारणा केली असता संबंधित शालेय प्रशासनाकडून, बेळगाव ट्रस्टकडून फोन आल्यानंतर तुम्ही शाळेला या असे सांगून दबाव तंत्र वापरून याविषयी टाळाटाळ करणारी उत्तरे देण्यात आली. त्याचबरोबर संबंधित शाळेतील स्टाफमधील सहाय्यक शिक्षिका आयेशा शेख, लझीम बागवान, अल्मास पठाण, प्रणाली चौगले त्यांच्या चुकीच्या सांगण्यावरून पैशाच्या जोरावर आम्हाला मानसिक त्रास दिला जात आहे असा आरोप हजरत उमुल फकरा उर्दू स्कूलच्या मुख्याध्यापिका रुक्कैया यळकुंद्री व सहाय्यक शिक्षिका सलमा यळकुंद्री यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे. मेरा नाम जो है रुक्कैया दस्ती यळकुंद्री है और मैं जो है 12 साल से उमुल फकरा स्कूल में एचएम के हैसियत से अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ. लेकिन जो है यहाँ पे आज हमें जो है 9 तारीख को कहा गया, 9 अप्रैल 2022 को सब टीचर्स को जो है एक लेटर दिया गया. जो टीचर कंटिन्यू करेंगे वो टीचर जो है उस पर लिख के देना है करके कहा गया. लेकिन उसमें क्या किया गया, लिख कर तो हम लोग सभी दे कंटिन्यू करेंगे बोल के. आज जो है किसी को तो कॉल आने के बाद सबको आना है करके कहा, लेकिन जो है आज कॉल किसी भी नहीं आया. लेकिन तब भी ये स्कूल भी खुली थी और जो है यहाँ पे टीचर्स भी बैठे रहे थे. हमने पूछा फिर बाद में, फिर कॉल आपको आया नहीं तो क्यों आया करके हमें पूछा गया. तो फिर हम लोग बोले कि कॉल नहीं आया, किसी को भी कॉल नहीं आया, इसलिए हम लोग भी आए हैं यहाँ पे. तो हमें कहते हैं कि बेलगाम से तुम्हें कॉल आने के बाद ही आप आए. हमने यहाँ पे 12 साल दिया है, इतने साल दिया है. जो आए हैं ना उनमें बेलगाम से कॉल आया है या नहीं आया है? तो उनको नहीं बोल रहे तो आप ही क्यों, आपको क्यों नहीं बोल रहे सर? आपको क्यों बोल रहे कि वो क्या बोल रहे? अभी उनका क्या था, मैं जो एचएम थी मैंने जो है डिजाइन दिया, क्योंकि जो है हेडेक बहुत ही एक साल जो है हमें बहुत ही इन्होंने क्या किया, हेडेक किया, टॉर्चर किया. वो कहते हैं मेरे साथ एक डेप्यूटी एचएम खड़ा थे, उसको सिखाओ, उसको जो है सब नॉलेज दो, उसको जो है मीटिंग में, इवन मीटिंग भी रहेगी तो उसके साथ में ही जो बिठा कर जो है उसके साथ डिस्कशन करना है करके कहा गया. फिर उसके बाद में मैंने कहा उनको थोड़े ड्यूटीज दो, हमें थोड़े ड्यूटीज दो, हम अपने अलग अलग निभाएंगे, उन्होंने उनके हिसाब से निभाएंगे, मैं अपने हिसाब से निभाऊंगी. उनका मानना वैसा नहीं है. वो कहते हैं कि मैं उनको बाकायदा जो है आपको उनके उनको जो है सिखाना है, कराना है करके करेंगे. और साथ ही साथ और यहाँ पे जो परसेंटेज है टीचर्स का भी आपको बताना चाहूँगी, क्वालिफिकेशन बताना चाहूँगी. सेकेंड ईयर के अंदर जो टीचर को 30 मार्क्स है इंग्लिश के अंदर, वो टीचर जो है यहाँ पे जो इंग्लिश सिखाएगी हाईस्कूल के अंदर. उसके बाद और जो है बी जो बात है 42% है डी एड के अंदर, वो क्वालिफाइड भी नहीं है. लेकिन जो वो इधर एच एम बोल के जो है साइन करेगी रिजल्ट के अंदर पूरे अपने चेक के ऊपर पूरा साइन करेगी. फिर मुझे जो है हेडिया करके टॉर्चर करके उसको सिखाओ करो, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने जो है पूरा नॉलेज जो है जो भी असिस्टेंट टीचर थे जो भी उनके हालात में थे सब लेकर आई, उनको सबको सिखाई, अभी सब उल्टा हो गए. अब ये आपको ना आने के जिम्मेदार आपको किसको मानते हैं? हमें बता रहे हैं कि अभी बच्चों को हमने सिखाया है करके बोल रहे हैं. वो स्कूल को मत आओ, हम भी नहीं आएंगे, आप भी मत आओ, आपको सिखाया है बोलते हैं. हमने तो कुछ सिखाया नहीं है, ऐसे ब्लेम कर रहे हैं और पावर जो है अपना मनी का दिखा रहे हैं. आप किसका करना है करना चाहते हैं करो. ट्रस्ट वाले बोले कि मैं जब रिजाइन दी तब करो, हम आपका आकर बात करेंगे बोलते. लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया और अभी हमें कह रहे हैं कि कॉल आपको ट्रस्ट का ही आएगा. अभी ये बात पर बोल रहे हैं, ये बात पर फोकस करना जरूरी है. हमें अभी आप किनके ऊपर ब्लेम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? ब्लेम जो है खासकर जो टीचर थे हमारे से थे, जो जूनियर थे, हाँ, वो जो बागबान आयशा शेख जो आंटी है इस स्कूल की और चौगले अल्मास पठान, ये सभी जो है ये लोग जिम्मेदार है. जब हम इन्हें जो मैटरनिटी के लिए ऊपर थे, बाद में मैं भी बीमार थी, तब जाकर इन्होंने क्या है इनके पास गलत हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है सर तक, हम गलत कर रहे हैं दोनों बहनें मिलकर. शादी का तक ये नहीं थी,
38 चल रही है अभी। अभी जो है पिछले साल जो है मैंने शादी की है, क्योंकि स्कूल के साथ स्कूल का रिलेटेड नज़दीक वाले मिलेगा तो ही शादी करेंगे। स्कूल को दिन रात मेरी फैमिली पूरी हर एक प्रोग्राम में शामिल, हर एक लोग हम सब शामिल, सब लोगों ने मिलकर जो हमने कोऑपरेट करके स्टैंड किया है। और अभी हमें या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना हजरत उमुल फकरा उर्दू स्कूल चे सेक्रेटरी इम्तियाज मोकाशी म्हणाले, शाळेमध्ये जे काही प्रकार सुरू आहे त्यामध्ये काहीही सत्यता नाही। आमच्यावर केलेले आरोप हे सर्व बिनबुडाचे असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले। इम्तियाज मोकाशी बात कर रहा हूं, एचएम स्कूल का सेक्रेटरी हूं, निपानी ब्रांच का। हमारी ट्रस्ट जो है बेलगाम में, बेलगाम ट्रस्ट की ये स्कूल हम लोग निपानी में चला रहे। अभी स्कूल में जो भी इंटरनेट जो भी चल रहा है हो रहा है, और कुछ टीचर्स जो मीडिया के पास हम पे कंप्लेंट किए हैं, ये कंप्लेंट में कुछ खास ये नहीं है। हम लोग वो निपटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट पे प्रेशर लाने के लिए पेरेंट्स को लाके इधर ये लोग थोड़ा हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। निपटाने की कोशिश तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और जो भी हम पे एक आरोप कर रहे हैं ये कुछ उसमें ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। यावेळी सर्व टीचर, स्टाफ व पालक वर्ग उपस्थित होते। शाळेत गोंधळाचे वातावरण पाहावयास मिळाले। मुलांना माझ्या मुलगाला विचारतात बांगड्या घालला घालणार आहे तुम्हाला, कोण विचारतात असं? अरे कन्ना टीचर, उदार टीचर, टीचर विचारतात। आणि एक हा दुसरा बाजूचा मुलगा आहे, त्याला मम्मी सांगितलं, तुम्ही सांगा ना, त्याला दाराच्या पाठीमागे नेऊन दाबले पनिशमेंट म्हणून, अशी पनिशमेंट करतात। आता 2 महिने झाला, आई वडिलांना यम मॅनर्स मधलं, म्हणजे आई वडिलांच्या यम हे नाही म्हणून सांगतात। मॅथ्स टीचर निर्णय।